स्वागत है आपका बिलासा कृषि कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिलासा कृषि कोचिंग के द्वारा महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 12वीं का जितना भी सब्जेक्ट है आपका सारा सब्जेक्ट की पढ़ाई किया जा रहा है, वो भी यूट्यूब में फ्री। तो ये सारा चीज़ को आपको शेयर करना होगा, ताकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट आपके साथ जुड़ेंगे आप लोग को भी मज़ा आएगा पढ़ने में, और जितने ज़्यादा लोगों को आप बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली वालों को, जिसको भी आपको शेयर करना है सबको शेयर कीजिए। क्योंकि फिर हम लोग नया क्लास आपका आपका ये जो चैप्टर है पशु चिकित्सा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 के बारे में हम लोग आज पढ़ाई करने वाले हैं। तो जल्दी से इसको शेयर कीजिए, हर दिन की तरह आज भी मज़ा आने वाला है, और पूरा लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और वीडियो को तो पहले से ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का भी फ़र्ज बनता है कि डेली हम आप लोगों के लिए फ्री लाइव क्लास ला रहे हैं, तो उसका आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल रहा है, तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, ठीक है, थैंक यू। तो आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं क्या, पशु चिकित्सा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या आता है ये हम लोग को, आप लोग को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 4th चैप्टर का, पशु चिकित्सा, ठीक है। इसको कहा जाता है वेटनरी, क्या कहा जाता है वेटनरी। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सा जो पशु चिकित्सा होता है उसमें उपकरण का यूज़ होता है, किसके बने होते हैं और क्या उसका यूज़ है, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ सामान्य जो औषधीय हैं, मेडिसिन हैं, उनके नाम और उनका क्या क्वालिटी है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से शेयर कीजिए, और जितने लोग भी जुड़ चुके हैं उन सबको गुड इवनिंग, ठीक है, सबको गुड इवनिंग। अब हम लोग बात करते हैं एनिमल हेल्थ। तो एनिमल हेल्थ तो आप लोग जानते होंगे, पिछले चैप्टर में हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं एनिमल हेल्थ क्या होता है, और एनिमल हेल्थ से आपका क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, क्योंकि एनिमल हेल्थ या पशु बीमारी किसको कहा जाए, तो पशु बीमारी मतलब उनके शरीर में जो भी प्रोसेस होता है वो असामान्य होना, मतलब सही रूप से चलना नहीं, इसी को कहा जाता है पशु बीमारी। ये आपका कोई काम का नहीं है। मेन हम लोग चलते हैं जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपका ये आता है कि आपको 5 उपकरण या 5 इक्विपमेंट है जो एनिमल से रिलेटेड है, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, उनके बारे में आपको लिखना है और उनका यूज लिखना है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है, पहला कौन सा इक्विपमेंट है, तो पहला इक्विपमेंट है आपका धमनी चिमटी, इसको बोलते हैं आर्टरीज फोर्सेप। अब ये क्या काम करता है, तो ये जो है स्टील का बना होता है, कैसा बना होता है, स्टील का बना होता है। और बस इसको आपको इस बहुत ही ईजी है ये, बस इसका आपको नाम याद रखना है, क्या है, चिमटी, ठीक है। तो इसका उपयोग क्या किया जाता है, जब ऑपरेशन करते हैं, क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उस समय क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है यानी रक्त प्रभाव होता है, तो उसको बंद करने के लिए क्या, तो ऑपरेशन करते समय ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको बंद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो धमनी चिमटी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर होता है फोड़ा चाकू, तो नाम से पता चल रहा है फोड़ा चाकू ये क्या चीज़ करता होगा, ये पशुओं में चीड़ फाड़ करने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। और ये जो चाकू होते हैं 2 तरह से होते हैं, कितने तरह से, एक तो सीधा होता है, ठीक है, स्ट्रेट वाला, इस तरह से आप चाकू देखे होंगे, ठीक है, ये इस तरह से चाकू रहता है। दूसरा जो रहता है कर्व वाला, साउथ वाला मूवी देखे होंगे, जो काली माई टाइप का रहता है ना ऐसा, तो ये उनका चाकू टाइप का, ये कर्व वाला रहता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 2 तरह से चाकू होते हैं, ये फोड़ा फोड़ने का काम आते हैं, यानी कि ऑपरेशन वगैरह करते हैं उसमें। ये आपका मोस्ट आईएमपी है, वर्डिजो कास्टेटर, वर्डिजो कास्टेटर आपका मोस्ट आईएमपी है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वर्डिजो कास्टेटर, कास्टेटर मतलब होता है बधियाकरण करने वाला यंत्र, बधियाकरण जिसको इंग्लिश में कहते हैं कास्ट्रेशन, क्या कहते हैं, कास्ट्रेशन, ठीक है। अब कास्ट्रेशन यानी जो बधियाकरण करेगा उस यंत्र को क्या बोलेंगे, कास्टेटर, क्या बोलेंगे, कास्टेटर। तो याद रखिए वर्डिजो कास्टेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, कि नर पशुओं का बधियाकरण करने के लिए, ठीक है, नर पशुओं का बधियाकरण करने के लिए उसको कास्ट्रेट करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब वर्डिजो, वर्डिजो से याद रखिएगा, इसको एक वैज्ञानिक थे वर्डिजो नाम के, जो कि इटली के थे, उन्होंने सबसे पहले इसका उपयोग किया था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वर्डिजो कास्टेटर। तो वर्डिजो कास्टेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है।
इमेज में आपको दिख रहा होगा वर्डिजो का स्टेटर, तो ये आपको नजर आ रहा होगा वर्डिजो का स्टेटर कौन सा है, तो वर्डिजो का स्टेटर कौन सा है ये, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है, ठीक है, विषण रज्जु उसको क्या करते हैं दबा देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है एनिमल जो होता है कास्ट्रेट हो जाता है, बधिया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा डॉकिंग मशीन। अब इसका देखो ये क्या होता है, अलग अलग पशुओं के हिसाब से उसका साइज अलग हो सकता है, जैसे कि अगर वो सुअर है, ठीक है, अगर वो भेड़ है, नर वाला भेड़ा है, ठीक है, बकरा है, तो उसके हिसाब से क्या हो सकता है साइज जो है बड़ा छोटा हो सकता है, ये वर्डिजो कास्टेटर। नेक्स्ट है डॉकिंग मशीन, कौन सा मशीन, डॉकिंग मशीन को उपयोग क्यों किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है आपका, ऑब्जेक्टिव में दे देगा या खालिस्तान में दे देते हैं। इसको टेल कटर भी बोलते हैं। अब टेल कटर से तो नाम पर आपको पता चल गया होगा, डॉकिंग मशीन का उपयोग किया जाता है कि इसमें पूंछ काटने में, किस लिए उपयोग किया जाता है पूंछ काटने में, और ये जो क्रिया किया जाता है भेड़ में करते हैं, किसमें करते हैं भेड़ में करते हैं, ठीक है। अब पूंछ क्यों काटा जाता है, क्योंकि भेड़ का पूंछ बहुत लंबा होता है, साथ ही उसमें बहुत ज़्यादा परजीवी यानी पैरासाइट हो जाता है, और जिसकी वजह से ऊन का जो क्वालिटी है वो कम हो जाता है, तो उनके जो क्वालिटी को बढ़ाने के लिए इनके पूंछ को काटा जाता है। साथ में कुत्ता का भी करते हैं, लेकिन कुत्ता के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आता है मुंह खोलने का यंत्र, इसको बोलते हैं माउथ गेज, क्या कहा जाता है माउथ गेज, ये धातु का बना होता है जो क्या करते हैं पशु के मुँह में अधिक समय तक खोलने के लिए मुँह में फंसा होता है, मतलब इनमें जैसे माउथ गेज इसका मतलब ये हो गया कि आप मुंह को खोलने वाला, तो ऐसे मुंह को खोल के रखे रहते हैं ताकि उनका जो जैसे टीथ कटर है दांत को काटने के लिए, ठीक है, या तो फिर और बहुत सारे मुंह में जो भी बीमारी वगैरह हो गए, छाले हो गए, उनके मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, उनका प्रबंधन के लिए, तो उनके मुंह को खोलने का काम करते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर आता है दांत कटने वाला यंत्र, ये तो बहुत ही ईजी है, दांत कटने वाले का क्या यूज़ करते होंगे, दांत काटते होंगे, टूथ कटर, ठीक है। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा डायग्राम, ये है आँख निरीक्षक यंत्र, आगे हम लोग देखे वाले हैं, आँख निरीक्षक मतलब आँख को खोलने का काम करता है ये। उसके बाद आता है कैंची, तो कैंची तो बहुत ही इजी है, सब लोग जान रहे हैं कैंची का क्या उपयोग है कि नहीं, तो कैंची का उपयोग क्या चीज़ है याद रखिएगा, तो कैंची का तो बहुत ईजी है, ये आप लोग को पता ही है, बताने की उतना ज़रूरत नहीं है। इसका उपयोग क्या किया जाता है याद रखिएगा, ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, इसका मुख्य काम होता है पशुओं के बाल को काटना, खाल को काटना, मांस को काटना, इन सब चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोब ये इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ बस उसी उसी को याद कर लीजिए, आपका पीएटी भी क्लियर हो जाएगा और ये चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। तो प्रोब का उपयोग किया जाता है, ये किस लिए किया जाता है, तो घाव की लंबाई तथा उसमें दवाई की गाज भरने में काम आती है, ठीक है, याद रखिए। घाव की गहराई को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो प्रोब का किया जाता है, किसका किया जाता है प्रोब का, और ये पतला स्टील का बना हुआ था, किसका बना होता है स्टील का। उसके बाद आता है नेत्र वीक्षण यंत्र, आइज स्पेकुलर, ये अभी आप लोग को बताया था, ऊपर में आपको डायग्राम दिया था वही है, ये भी स्टील का बना होता है। अब ये क्या कर रहा है, नेत्र वीक्षण यंत्र, इसका मतलब ये होता है आँख को खोलने का काम करता है, जैसे कि आपका बहुत सारे बीमारी हो जाता है आँख से संबंधित, जिसकी वजह से आँख खुल नहीं पाता है, तो उस आँख को खोलने के लिए किस यंत्र को यूज़ करते हैं, नेत्र वीक्षण यंत्र, ठीक है। फिर है ड्रेंचिंग मशीन या ड्रेंचिंग बॉटल, तो ये बांस का बना होता है, कैसा बना होता है बांस का, ठीक है, ये बांस का आप देखे होंगे, तो ये बांस का बना होता है, एक सिरा इसका क्या रहता है बंद रहता है, और दूसरा सिरा इसका क्या रहता है खुला होता है। जो साइफन है इसका उपयोग क्या चीज है, ये भी धातु का बना हुआ खोखला रहता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो होता है याद रखिएगा, देखो ये क्या है, एक सिरा खुला रहेगा, दूसरा सिरा कुछ ऊपर हटा हुआ रहता है, देखो एक सिरा आपका खुला हुआ नजर आ रहा है, दूसरा कुछ हटा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें एक सफाई करने वाला तार भी होता है, ठीक है, वो दिख रहा होगा। उसके बाद इसका मेनली क्वेश्चन क्या आता है, इस बात को याद रखिएगा, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो पतले आकार के होते हैं, एक मोटे आकार के। तो ये जो थनैला रोग होता है, कौन सा रोग होता है थनैला रोग, कौन सा रोग थनैला जो रोग होता है, उसके दूध निकालने, पहले दूध को निकाल लेते हैं, निकालने का काम इसी से किया जाता है, इसको याद रखिएगा। थनैला रोग में क्या करते हैं, दूध को निकाल लेते हैं, फिर टेप लगा देते हैं, उसके बाद उसका मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखें। दूसरा है वेजाइनल स्पेकुलर, तो ये आपको दिख रहेगा वेजाइना स्पेकुलर,
ये भी धातु का बना होता है, ठीक है। ये केवल याद रखेगा योनि परीक्षण हेतु किया जाता है, और योनि यानी वेजाइना वो किस में होते हैं, केवल मादा यानी फीमेल में ही होते हैं। तो फीमेल में क्या होता है, उनका यह वेजाइना का टेस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब योनि में क्या है, उचित स्थान पर वीर्य सेचन के लिए, सेचन मतलब इंसेमिनेशन, ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद जो वीर्य है सही स्थान पर चला जाए इसके लिए इसका उपयोग किया करते हैं। ये भी आपका मोस्ट आईएमपी है, याद रखिएगा, ट्रोकर और कैन्यूला। ट्रोकर कैन्यूले का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो अगर अफरा बीमारी हो गया पशुओं के, अफरा मतलब उनके पेट में गैस भर जाना, रूमेन फूल जाना, तो उस गैस को निकालने के लिए ये उपयोग किया जाता है, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं पिचकारी, तो ये सब लोग ने होली तो सब खेले होंगे, और होली खेले होंगे तो पिचकारी आप देखे होंगे, है ना, वही चीज है सिरिंज, ठीक, क्या कहते हैं इसको, सिरिंज। तो ये क्या करते हैं, दवाई इंजेक्शन देने का काम करते हैं, ठीक है, इंजेक्शन। तो ये धातु का या कांच का बना होता है, ठीक है, जो उसका या तो फिर प्लास्टिक का बना होता है, इसके ऊपर में सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर उसमें लिखा रहता है, देखे होंगे आप सिरिंज जो है ना, इस तरह से आप देखे होंगे, और यहाँ से इंजेक्शन देते हैं, तो ये खींचने का काम करते हैं पिचकारी जो है कि नहीं, पिचकारी खींचते हैं, ऊपर में यहाँ पे पूरा नंबरिंग लगा रहता है कि कितना मात्रा में दवाई देना है। तो ये इसका काम किस लिए रहता है, सुई लगाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, ये आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंजेक्शन सुई तो वही है, नीडल जिसमें सुई लगा के दिया जाता है, ये अलग अलग नंबर के आते हैं एनिमल के वेट, बॉडी वेट के अनुसार। स्पैचुला, ठीक है, स्पैचुला क्या होता है, ये भी क्या होता है, आमलेट टेबल पर आमटेन आइटमेंट स्टेबल दवाई को मिलाकर मलहम लगाने के लिए काम में आती है। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा, ठीक, खलबट्टा टाइप का जानते ही होंगे, खलबट्टा के द्वारा जो पीसा जाता है ना, वैसे ही क्या होता है, इसका उपयोग क्या किया जाता है, याद रखिए चीनी का ये बना रहेगा, ये आपको दिख रहा होगा चीनी का या कांच का बना होता है, और ये आकृति इसका प्याले की तरह होता है, प्याले की तरह मतलब कप की तरह आपको दिख रहा होगा। इसमें दवाई को पीसी जाती है और मिलाया जाता है, इसमें क्या करते हैं, दवाई को पीसते हैं, मिलाते हैं, इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ये सेचक, सेचक आपको आगे नजर आएगा, इरिगेटर, इरिगेटर क्या होता है, ये ताम चीनी का बना होता है, ठीक है, और इसमें आपको देख रहे होंगे एक ये टोटी लगा हुआ है, देखो आपको ऊपर मुंह खुला होता है, ये आपको दिख रहा होगा, इसको देखते हैं, ये ताम चीनी का बना होता है, ठीक है, इसके मुंह ऊपर खुला हुआ रहता है, नीचे की ओर एक टोटी लगी हो, टोटी मतलब होता है नली, आप नीचे में देख रहे होंगे एक नली लगा हुआ आता है, ठीक है, टोटी में एक रबड़ लगी होती है, और इसमें कीटाणुनाशक घोल को भरकर घावों में धोया जाता है, ठीक, घावों को धोया, देखो अब क्या करते हैं, ऊपर खुला रहेगा उसमें कीटाणुनाशक हो गया, ठीक है, या तो जो इंसेक्टिसाइड वगैरह हो गया, या जो कीड़ा को मारने के लिए, अंदर में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए क्या करते हैं, ऊपर से घोल को घावों के द्वारा धोया जाता है इसके द्वारा, ठीक है, इस घाव को इसके द्वारा धोते हैं। फिर आता है क्या, वीर्य सेचन नली, इंसिमेटेड ट्यूब, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, जब कृत्रिम गर्भाधान होता है यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, तो योनि में वीर्य को पहुंचाने का काम करती है, ठीक है, क्या करता है ये, कृत्रिम गर्भाधान में इसका उपयोग किया जाता है, योनि में वीर्य को पहुंचाने का काम करती है, कौन सा, ये वीर्य सेचन नली। उसके बाद ये है आपका इम्पॉर्टेंट, कौन इम्पॉर्टेंट है, ये आपका 21 नंबर का ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपका PAT में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और आपका ये 12th एग्जाम में भी आया हुआ है, क्या, कैथीटर, कैथीटर का उपयोग किस लिए करते हैं, तो पशुओं में पेशाब बंद हो जाने पर इसके द्वारा पेशाब को निकालते हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, पशुओं में क्या हो जाता है, पेशाब बंद हो जाता है, तब पशुओं के पेशाब को निकालने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। और ये कहाँ पे यूज होगा, तो जिनका जो पेशाब नली है वो सीधा रहता है, पेशाब नली सीधा है उनमें यूज करते हैं, लेकिन याद रखिएगा बैल वगैरह जो रहते हैं वो एस आकार के रहते हैं, उनका कैसा रहता है ऐसा, जिसके वजह से इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसका उपयोग किस में करेंगे, जिनका जो पेशाब नली है वो सीधा है, क्लियर। उसके बाद आपको दिख रहा होगा वेजाइना स्कोप, ठीक है,
तो नाम से पता चल रहा है, जैसे माइक्रोस्कोप है, माइक्रो मतलब क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी है ना, तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए, दर्शी मतलब दर्शन, वैसी है वेजाइन। तो ये धातु का बना होता है, इसमें क्या होता है, वेजाइना के भीतरी भागों को देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, वेजाइना के भीतरी भागों को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दागने का यंत्र ब्रांडिंग आयन, तो ये क्या होता है, जनरली आप देखे होंगे कि ब्रांडिंग यानी पशुओं को चिन्हित करने के लिए, उनको मार्किंग करने के लिए बहुत सारे, जैसे नंबर हो गए, ये 6 नंबर का मुझे करना है तो वो उसको गर्म करूँगा, गर्म करने के बाद 6 नंबर डाल दिया, या तो मुझे अपने ए करके करना है तो ए को गर्म किया, गर्म करने के बाद उसको कर दिया। तो इस तरह से ये पशुओं को चिन्हित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर है टूथ रेस फाइल, तो ये क्या होता है, ये आपका कोई काम का नहीं है, ठीक है, ये जो जिसे पशु बढ़े हुए दांत होते हैं या डाढ़ घिस जाता है उनमें इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है मापक ग्लास, ये आपको दिख रहा होगा मापक ग्लास, तो नाम से पता चल रहा है ये क्या करता होगा कि क्या चीज़ है, ये मिलीमीटर में है, क्या सब चीज़ निशान लगा रहा है, तो उसमें तरल पदार्थों को मापने का काम करते हैं। ये बुल नोज रिंग है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, सांड के नाक में इसका यूज़ करते हैं पंचक का। तो ये चार्ट को आप देख लीजिएगा, चार्ट में आपको शॉर्ट में आपको दिया गया है कि किसका उपयोग क्या चीज़ के लिए किया जाता है, जैसे धम इसको सब चीज़ को हम तो बड़ा बता ही दिए हैं कि धमनी चिमटी होता है, धमनी के दबाव में रक्त को बंद करने के लिए किया जाता है। ये जो फोड़ा चाकू, तो फोड़ा को चीरने का काम करते हैं। बध्याकरण, तो वही सब चीज़ है शॉर्ट में है कि बध्याकरण का कास्ट्रेटर का उपयोग किया जाता है। बुल होल्डर, याद रखिए कि पशुओं को काबू करने के लिए, यानी सांड है उसको काबू करने के लिए बुल होल्डर का उपयोग किया जाता है। बुल स्टाफ, तो इनको काबू करने के लिए, व्यायाम करने के लिए, या पशुओं को क्या किया जाता है कि प्रजनन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए किया जाता है, ठीक है। कैथीटर करके आपको बताया था, ये किस लिए रहता है, तो याद रखिए पशुओं में पेशाब बंद होने पर पेशाब निकालने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो ये कैथीटर है। कौन सा यंत्र है, कैथीटर है, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये सारा चीज़ आपको पढ़ लीजिएगा, बाकी सब काम का नहीं है, है ना, ये आप वही चीज़ है जो ऊपर में हम लोग पढ़े थे, और उसके बाद ये भी काम का नहीं है आपका। इसमें क्या किया गया है कि क्या क्या कौन सा यंत्र है, वही चीज़ है। अन्य उपकरण, तो ये शेयरिंग मशीन, तो ऊन काटने के लिए ये सब नहीं आता है, या इसको देख लीजिएगा, ठीक है, ये यंत्र है, सिकंजा तीर। उसके बाद कुछ ये देखो, चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले मेडिसिन कौन कौन से है, तो इनसे कुछ कुछ चीज़ आते हैं, जैसे एंटीसेप्टिक, तो बोरिक एसिड है, आयोडीन है, इसको एक एक दो दो नाम याद कर लीजिएगा। और एंटीबायोटिक्स में कौन सा आता है, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक एक दो नाम याद कर लीजिएगा, ये दो नंबर में पूछता है, दो दवाइयों के नाम लिखिएगा, तो ये दो दवाई आपको याद करना है, ठीक है। और फिर होता है एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेटिक मतलब होता है बेहोश करना, तो किसका किसका उपयोग करते हैं, क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं, नाइट्रेट ऑक्साइड का, ईथर का उपयोग किया जाता है। फिर आता है पीड़ाहारी, तो पीड़ाहारी में किसका यूज़ करते हैं, तो एस्प्रिन है, भांग है, अमोनिया है, बेलाडोना है, इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। बेलाडोना आप जानते होंगे, जैसे आप गलुआ रोग सुने होंगे, गाल में क्या हो जाता है, फूल जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें लगाए रहते हैं कि स्टिकर लगाए रहते हैं, उसमें इसी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बाकी कोई काम का नहीं है इसमें से, इसको याद रखिएगा, प्रतिहारक कौन सा है, एंटीडोड, तो एंटीडोड में कौन सा है, कैल्शियम डाइसोडियम, इसको याद रख लीजिएगा, एक आध दो नाम याद कर लीजिएगा, दो नंबर में आएगा, दो दो नंबर में आपको याद करना है इसको, ठीक है, ये पढ़ाने वाला समझाने वाला चीज़ नहीं है। फिर आता है चिकित्सा में उपयोगी दवाइयाँ, ठीक है, तो चिकित्सा में दो तरह से दवाई उपयोग होता है, एक तो आयुर्वेदिक होता है, दूसरा होता है एलोपैथी। तो आयुर्वेदिक में कौन कौन सा होता है, एलोपैथी में कौन कौन सा होता है, ये सब चीज़ों पर देखो। आयुर्वेदिक दवाई मतलब होता है देसी, कौन सा दवाई, देसी मेडिसिन होता है, जैसे कपूर हो गया, इसका एक आठ नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, कोई दो आयुर्वेदिक का नाम लिखिएगा और उनके बारे में डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कपूर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ये जो जैसे चोट लग गया है, ठीक है, या तो फिर सर्दी जुकाम हो गया है, तो उसमें इसका उपयोग करते हैं। फिटकरी, इसको अलम बोलते हैं, ठीक है, इसका उपयोग किस लिए, ये कसैले रहते हैं, जल में घुलनशील होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, और खून का रिसाव को रोकने के लिए
इसको आंख में या सर्दी में, आंख को धोने के लिए सर्दी में इसको उपयोग। आपने जैसे सैलून वगैरह गए होंगे तो देखते हैं कभी दाढ़ी वगैरह कटाते रहते हैं या तो बाल वगैरह कटाते हैं तो कट जाता है, तो इसी फिटकरी का उपयोग करते हैं। किसका? फिटकरी का। तो ये घाव को रोकने, मतलब जो ब्लड निकलता है उसको रोकने का काम करता है। सल्फर की बात करते हैं तो ये याद रखिएगा, खाद हो गया, खुजली हो गया, इनको ठीक करने में उपयोग किया जाता है। खड़िया जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ये सफ़ेद कलर का होता है, ये खनिज तत्व तो प्रदान करने का भी काम करता है, साथ में पेचिस को रोकने का भी काम करता है। ये कत्था को याद रखिएगा, ये भी पेचिस को रोकने का काम करता है। अफीम हो गया, ये भी पेचिस को रोकने का काम करता है। हींग जो होता है, इसका क्या काम है? तो जैसे पेट वगैरह में दर्द होता है, ठीक है, पाचन नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भी ये काम करता है। अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल, तो ये क्या काम करता है? तो याद रखिएगा, ये कम उम्र के बछड़े को जो जुलाब हो जाता है उससे बचाने का काम करता है। सरसों का तेल, ये पीराहारी काम करता है, अगर दर्द वगैरह हो जाए या अपचक है तो उसके लिए भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये अलसी का तेल, इसको पढ़ लीजिएगा, दर्द वगैरह या मसोड़ा ठीक करने के लिए उपयोग करते हैं। एलेलोपैथी, ये केमिकल रूप से रहता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किस लिए करते हैं? तो याद रखिएगा, इसका उपयोग किया जाता है सांप काटने पर विष के प्रभाव को कम करने के लिए। ठीक है, क्या करते हैं? सांप काटने पर विष प्रभाव को कम करने के लिए। उसके बाद सोडियम बाइकार्ब है, इसका उपयोग किस लिए करते हैं? तो याद रखिएगा, ये पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। बाइकार्ब है यानी कि समझ जाइए क्षारी चीज है, तो पेट में अम्ली है उसको दूर करने के लिए। फिर मैग्नीशियम सल्फेट है, तो इसका पेट की सफाई करने के लिए। आयोडो फार्म हो गया, इसका क्या चीज़ उपयोग है? तो याद रखिएगा, इसका उपयोग है क्या, ये जो है जीवाणु नाशक के रूप में काम करता है। घाव में इसका उपयोग करते हैं, गर्भाशय शोथ में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप कॉपर सल्फेट को याद रखिएगा। फिनाइल का उपयोग, तो फिनाइल का तो जानते ही हैं, जैसे पशुओं में खुरपका, मुंह पका हो जाता है तो उनके घाव वगैरह की सफाई के लिए करते हैं। बोरिक एसिड, तो याद रखिएगा, ये जो रहता है घाव को सुखाने के लिए। जल बोरिक एसिड का उपयोग किस लिए किया जाता है? पशुओं के जो घाव है उसको सुखाने के लिए करते हैं। बस ग्रिसलिन को याद रखिएगा, ये क्या मलहम के साथ यूज़ किया जाता है इसका। उसके बाद आपको ये प्रॉपर्टीज़ में आपको याद करना है, फिटकरी, ये सब चीज़ फिर वही चार्ट में दिया है कितना यूज़ करते हैं क्या, तो ये आपका याद करने वाला चीज़ है। ठीक है, इस चार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आता है, याद रखिएगा, मोस्ट एमपी है ये क्वेश्चन आता है कि पशुओं को दवा देने की विधि कौन कौन से, किस किस रूप में हम लोग देते हैं। तो पहला आपको दिख रहा होगा बांस या बोतल से पानी के साथ घोल कर पिलाना, बाय ड्रेंचिंग। ड्रेंचिंग मशीन आपको बताया था कि एक तरफ से बंद रहता है, दूसरे से खोखला, तो इसके लिक्विड जो दवाई होते हैं उनको पिलाने के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया बोलस हो गया, यानी लोई बनाए रहते हैं। ठीक है, जैसे आप पूड़ी वगैरह बनाते हैं तो लोई नहीं बनाते हैं, वैसी तो कैप्सूल के रूप में खिलाने के लिए, और लोई बना के या चटनी चला के पशुओं को खिलाया जाता है। एनीमा, एनीमा क्या होता है? जब पशु क्या होता है खाने में असमर्थ होते हैं तो उनके एनीमा के रूप में देते हैं। ठीक है, दवा का बफारा, जब सर्दी खांसी हो जाता है तब उनको बफारा दिया जाता है। ठीक है, और गर्म पानी से, गर्म दवा के पानी से गर्म सेक कर दवा पानी को मुंह में पशु पानी को डुबा कर किया जाता है। ठीक है, पुल्टिस को याद रखिएगा, अलसी की पुल्टिस फोड़ा पकने में या सेकने में लगाया जाता है। सुई के द्वारा, तो सुई के द्वारा 3 तरह से डालते हैं। ठीक है, एक होता है त्वचा के अंदर सब क्यूटिकल, जिसको SC इंजेक्शन बोलते हैं। मांसपेशी इंट्रा मस्कुलर, जिसको IM इंजेक्शन बोलते हैं, मांसपेशी मांस वाला भाग में देते हैं। तीसरा हो गया सीरा के अंदर, इसको IV इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक त्वचा के अंदर देते हैं, दूसरा मांसपेशी पशु के जो मांसल वाले भाग होते हैं उनमें देते हैं, तीसरा जो होता है पशुओं के नस में देते हैं। ठीक है, और याद रखिए पशुओं के जो जुगलर ग्रूव होता है यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे इंजेक्शन दिया जाता है। पशु को देखेंगे ऐसे करते हैं, फिर पक से ऐसे मार दिए, फिर उसमें से उसका इंजेक्शन देते हैं। इसमें से याद रखिएगा कि जो संवेदनहारी क्या कहलाता है, तो वह जो जिसको बेहोश करने का काम आता है। ठीक है, बेलाडोना किस लिए यूज़ करते हैं? तो पीड़ा के लिए करते हैं। कुनेन क्या है? ज्वारहारी है। फिटकरी का क्या है? वामनकारी, मतलब फिटकरी का उपयोग किस लिए किया जाता है कि उनका जब ब्लड वगैरह बढ़ने लगता है, बहने लगता है, तो उसका यूज ब्लीचिंग पाउडर, इसको याद रखिएगा।
बोरिक एसिड का याद रखिएगा, ये किस लिए उपयोग करते हैं, तो घाव को सुखाने के लिए। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही था, आपको 5-6 इक्विपमेंट का नाम याद कर लेना जिनका उपयोग क्वेश्चन आता है, और लास्ट में आपका ये आता है ठीक है, किस किस रूप में उपयोग करते हैं इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन यही आएगा कि आपके कोई 5 इक्विपमेंट का नाम लिखे और उनके उपयोग को लिखिए ठीक है, तो इसको लिखिए याद रख लीजिएगा। कहीं 2 करके पूछ देते हैं कि 2 दवाइयों का नाम रख लीजिए, तो 2 देसी दवाई का, 2 एलोपैथी वाला ठीक है। तो ये आपका चैप्टर इस तरह से ख़त्म। तो लास्ट तक जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।